द्रौपदी, आपको बता दें कि महाभारत में द्रौपदी काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है थ्रू आउट द महाभारत। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे पांच जानकारी देंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं जिनको अब तक काफ़ी बुरा फील होगा उनके लिए। नंबर 5 पे उनका मैरिज पांडवों के साथ। दरअसल वो सिर्फ अर्जुन को चाहती थी शुरुआती दिनों में और उनसे ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको पांचों भाइयों के साथ विवाह करना पड़ा। आपको बता दूं कि ये भी काफ़ी दुखद घटना था उनके लाइफ में। नंबर 4 पे उनका चिरहरण। आपको बता दें कि ये भी काफ़ी दुखद घटना थी द्रौपदी की लाइफ का। आपको बता दें कि पांच पांच पति होने के बावजूद भी सरेआम को उनको घसीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भी काफ़ी असहनीय घटना थी उनकी लाइफ का। आपको बता दें कि बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई सहायता से उनकी सुरक्षा हो पाई। नंबर 3 पे करण के द्वारा किए गए वाक्य। आपको बता दें कि करण ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया था उनके साथ चिरहरण के दौरान, काफ़ी अपशब्द भी बोले थे जो कि एक काफ़ी अच्छा नहीं लगता एक योद्धा के द्वारा बोली गई ऐसी कुछ वाक्य एक महिला के लिए। आपको बता दें कि नंबर 2 पे अश्वत्थामा द्वारा किए गए उनके बच्चों का कत्ल। आपको बता दें कि जैसे ही कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म होने वाला था कि रात को अश्वत्थामा ने सोते सोते ही सभी पांडवों के बच्चों को मार डाला था, इससे द्रौपदी काफ़ी दुखी हुई थी। नंबर 1 पे अभिमन्यु का वध। आपको बता दूं कि अभिमन्यु सबसे प्यारा था उनको सभी बच्चों में। जब उनको ये खबर लगी कि दुर्योधन और बाकी सभी अन्य महारथियों ने अभिमन्यु का वध कर दिया तब वो काफ़ी विचलित हुई और काफ़ी दुख लगा उनको।